और अभी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने वाले स्टोर्स को सरबमोहर करने का हुक्म दे दिया है। प्लास्टिक बोतलों में पानी फरोख्त करने वाली कंपनीज को भी नोटिसेज जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल और बोतलों की फरोख्त से मुतालिक शहरी की दरखास्त पर समाअत की। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी से मुतालिक पंजाब हुकूमत के वकील ने महकमा माहौलियात की रिपोर्ट पेश की और बताया कि मुतअद्दिद बेकरियां और सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स भी अदालती हुकूम पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस पर जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जो स्टोर प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं इनको सील कर दें, अगर इनको खुद ख्याल नहीं है तो इन्हें कारोबार से निकाल दिया जाए और जो स्टोर्स और बेकर्स अमल दरामद का बयान हल्फी देते हैं इन्हें सिर्फ 7 रोज तक का वक्त दें। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से मजीद ये रिमार्क्स दिए गए कि प्लास्टिक बोतलों में पानी फरोख्त करने वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी कर रहा हूं। सारी दुनिया में प्लास्टिक बोतल में पानी बेचना तर्क किया जा चुका। पूरी दुनिया में अब पानी शीशे की बोतलों में बेचा जा रहा है। प्लास्टिक बोतलों में पानी बेचने वाले यूनिट सबसे बड़े जुर्मदार हैं। अगले मरहले में रेस्टोरेंट्स और बेकर्स की तरफ जाएंगे। इस मौके पर सरकारी वकील ने कहा कि सारसीन की तरफ से वावेला किया जाता है कि अंडे कैसे लेकर जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सारसीन को कोई इल्म नहीं, अदालत ने माहौल दुश्मन अशिया का खात्मा करवाना है। बाद अज़ां अदालत ने मजीद समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी।